एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर फिफ्थ चैप्टर, दैट इज कंबशन एंड फ्लेम। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस किस के बारे में? कंबशन, कंट्रोलिंग फायर, फ्लेम एंड फ्यूल्स। सो लेट्स स्टार्ट। कंबशन, फर्स्ट कंबशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इस कॉल कंबशन। जब बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसको हम क्या कहते हैं? कंबशन। जब आग लगती है ना, और वो किसके प्रेजेंस में लगती है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसको हम कंबशन कहते हैं। कंबशन इज अ केमिकल चेंज। कंबशन क्या होता है? एक केमिकल चेंज। इट इज़ ए टाइप ऑफ अ केमिकल चेंज। ऑक्सीजन रिएक्ट विद द सब्सटेंस गेटिंग बर्न। ये केमिकल चेंज है। ये केमिकल चेंज क्यों है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट होती है सब्सटेंस से, और वो जो सब्सटेंस होता है वो बर्नड हो जाता है, जल जाता है। क्लियर हुआ? सम सब्सटेंसेस लाइक पेपर, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल एंड कॉल बर्न इन एयर। दीज दे आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं, जैसे पेपर, कैरोसिन, डीजल, ये सब क्या है? बर्न हो रहे एयर में, तो वो कौन से हो गए? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। और जो एयर में बर्न नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, लाइक मेटल, ग्लास, कैरमिक। क्लियर हुआ? नाउ कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। तीन कंडीशन होती है कंबशन की जो नेसेसरी होती है। फर्स्ट क्या है? एक तो कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, सेकंड ऑक्सीजन, एयर या ऑक्सीजन होनी चाहिए, थर्ड इग्निशियस टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, इस ये तीन कंडीशन होगी तब क्या होगा? कंबशन होगा। अब आप ये अच्छे से रीड करना, अगर आपको कुछ नहीं समझ आएगा तो आप मेरे से पूछना। टाइप्स ऑफ कंबशन, अब हम कंबशन्स के टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन मतलब फटाफट बर्न होना, एकदम से जो आग पकड़ लेते हैं ना, एकदम से बर्न होना, उसको बोलते हैं रैपिड कंबशन। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक्स और अ लाइटर। मैचस्टिक हो गई, मैचस्टिक्स भी फटाफट से बर्न हो जाती है। लाइटर, जब हम लाइटर करते हैं तो वो भी एकदम से बर्न हो जाता है, तो वो स्पॉन्टेनियस कंबशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंबशन इन सब्सटेंस बर्न सडनली इनटू फ्लेम। इसमें क्या होता है? जो सब्सटेंस है जो बर्न हो रहा है वो फ्लेम में बर्न होता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट और एपरेंट कॉज। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम एंड फॉस्फोरस बर्न स्पॉन्टेनियसली एंड एक्सपोज टू एयर। फॉरेस्ट फायर आर ऑल्सो एग्जाम्पल। क्लियर हुआ? जैसे फॉरेस्ट फायर है, ये कौन सी कंबशन है? स्पॉन्टेनियस कंबशन। क्लियर हुआ? नाउ एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन जैसे फटना, कहते हैं ना एकदम से फट जाता है। जैसे व्हेन क्रैकर्स आर इग्निटेड, हीट, साउंड एंड लाइट। हीट, साउंड और लाइट होगी जहाँ पे, वो क्या होगा? एक्सप्लोजन। बहुत तेज़ आवाज़ होती है जब एक्सप्लोजन होता है। नाउ कंप्लीट कंबशन। द कंबशन इन विच द सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न टू फॉर्म द हाईएस्ट ऑक्साइड ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन। कंप्लीट कंबशन क्या होता है? जब जो सब्सटेंस है वो फुली बर्न होके हाईएस्ट ऑक्साइड बन जाए, उसे बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। जैसे फ्यूल प्लस ऑक्सीजन क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। तो ये क्या है? एक कंप्लीट कंबशन। क्लियर हुआ? इनकम्प्लीट कंबशन क्या होगा? द कंबशन दैट टेक प्लेस प्रेजेंस इन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। जब कंबशन होगा पर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में, तो उसे क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट।
जहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, सफिशेंट ऑक्सीजन होगी, वहाँ तो कंप्लीट कंबशन एकदम अच्छे से बर्न होगा जो भी सब्सटेंस होगा, पर जहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी वहाँ क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन। जहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी वहाँ जो सब्सटेंस होगा वो कम बर्न होगा। क्लियर हुआ आपको? नाउ कंट्रोलिंग फायर। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस, कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई और बाय कूलिंग डाउन द कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंट्रोलिंग फायर, फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? फायर हम कंट्रोल कर सकते हैं जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उनको रिमूव करके, जहाँ से एयर आ रही है जो एयर के सब्सटेंस है उनको हटाकर कूल डाउन कर हम कंट्रोल कर सकते हैं फायर को। कैसे फायर को कंट्रोल कर सकते हैं? हवा से तो कंट्रोल नहीं करेंगे ना, एयर से कंट्रोल करेंगे तो आग और बढ़ेगी। बाय यूजिंग वाटर, वाटर से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये आप अच्छे से रीड करना। ओके, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड से भी कर सकते हैं। बाय यूजिंग अ ब्लैंकेट, इसे आप अपने आप रीड करोगे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप मेरे से पूछोगे। सो थैंक यू क्लास। रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।